मेरे मुंह आप लोग सिर्फ उतना लगे जितनी जरूरत है। सहीफा है, आपकी बात पे एतराज नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मैं ठीक बात कर रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। आप पलवशा, ये बदमाशी नहीं चलेगी ना, मैं करने नहीं दूंगा ये बदमाशी। आपको सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने मौका देना, दे नहीं देना, माइक उतार के जाएं आप, जाएं आप, कोई मसला नहीं है मुझे, कोई मसला नहीं है मुझे, कोई मसला ही नहीं है। उतारे माइक और जाएं यहां से, उतारे माइक, ये चढ़ाई नहीं करने दूंगा मैं ना, बदतमीजी नहीं करने दूंगा, बदतमीजी बिल्कुल नहीं करने दूंगा बदतमीजी। और जो सहाफी आपकी बदतमीजी सुनते हैं ना, उनके साथ जाके बदतमीजी करो। मैं क्यों ना करूं बात, पलवशा उल्टा भी लटक जाएंगे ना आप लोग, या मुझे भी लटका देंगे, तो बात करने से बाज नहीं आऊंगा। पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा पलवशा खान से बदतहजीबी और बदतमीजी पर पीपल्स पार्टी लाहौर के डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एहसन रिजवी का जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल GNN के न्यूज़ चैनल पे, जो एक बेकरी वालों का न्यूज़ चैनल है जिन्होंने डबल रोटियां बेचते के बाद अब न्यूज़ चैनल खोल लिया है, एक एंकर इमरान रियाज खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान के साथ इंतहाई बदतमीजी और बद तहजीबी के साथ बात की। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इमरान रियाज खान को एंकर कहूँ या मेज़बान कहूँ। मेरा ख्याल है ना वो एंकर है ना वो मेज़बान है, ना ही किसी किस्म की कोई सहाफत की जो इस्तिलाह है वो उसके ऊपर इस्तेमाल की जा सकती है। क्योंकि एंकर का जो रवैया था वो ये था कि जिस तरह ही पलवशा खान के पास माइक गया तो उनकी बात के दरमियान में वो टोकना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने उसकी उनकी बात को थोड़ा सा निगेट की और बताया कि देखें आपकी बात सहीफा नहीं है, आप मेरा मौक़िफ़ सुने, तो उसके बाद एक अजीब सी टोन इख्तियार कर ली गई और उनको कहा गया कि मैं आपको बदमाशी नहीं करने दूंगा, मैं आपको आप माइक छोड़ के चली जाएँ, आप इस तरह कर दें, आप उस तरह कर दें। मैं बड़ा शजदर रह गया ये देख के कि पाकिस्तान का मीडिया एक ज़िम्मेदार मीडिया है और पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे सहाफ़ी जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, और हमारी खुशकिस्मती है कि इस मुल्क में अभी भी सच बोलने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन उनके दरमियान में एक सियासी थिएटर से उठा के सियासी अदाकार को ला के बिठा दिया गया और उसको ये इजाज़त दे दी गई कि वो लोगों की पगड़ियाँ उछालें। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तमाम सहाफ़ती बरदरी, तमाम सहाफ़ती तंजीमें इस बात का एक्शन लें, इस बेकरी वाले चैनल के इस छानबुरा एंकर को कम से कम तमीज़ के दायरे में लेकर आएं। देखें हम एक सियासी फोर्स हैं, हम अपनी लीडरशिप की भी हिफाजत करना चाहते हैं जानते हैं और हम अपनी ख्वातीन की भी हिफाजत करना जानते हैं। अगर इस किस्म की टोन इसके बाद किसी खातून के साथ इस्तेमाल की गई तो फिर शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले, आप लोग समझ सकते हैं कि अच्छी तरह सियासी जवाब देना जानते हैं और हमने माजी में भी बड़ी अच्छी तरह सियासी जवाब दिया है। वो सियासी जवाब कसूरियों को भी मिला है, वो सियासी जवाब अरबाब गुलाम रहीम को भी मिला है, वो सियासी जवाब भी कुछ दिनों पहले शेख रशीद को भी मिला है। तो मैं ये चाहूँगा कि सहाफ़ती बरदरी इसमें अपना किरदार अदा करे, पलवशा खान से माफ़ी मांगनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उस एंकर को माफ़ी मांगनी चाहिए और इस बेकरी चैनल को माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर इस तरह नहीं होता तो मैं अपनी लीडरशिप से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस बेकरी चैनल का बिल्कुल बायकॉट किया जाना चाहिए। शुक्रिया।